पिछले दो दिनों से एक ही न्यूज लगातार सोशल मीडिया पर चल रही थी, मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर चल रही थी कि ब्रह्मास्त्र 2 में जो देव का किरदार है, जो विलेन वाला किरदार है, उसके लिए जो फिल्म मेकर है ब्रह्मास्त्र के, इन्होंने यश को ऑफर किया था, अप्रोच किया था कि आप इस फिल्म में देव का किरदार निभा लो। लेकिन यश की तरफ से रॉकिंग स्टार यश, उन्हीं की बात कर रहा हूं भाई, कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी अभी तक। अब करण जौहर से किसी ने पूछ लिया, मीडिया वाले ने, कि क्या आप यश को इस फिल्म में ले रहे हैं देव के किरदार के लिए, तो करण जौहर का कहना है कि ये सब बकवास बातें हैं, हमने किसी को भी अप्रोच नहीं किया है। मतलब इनका सीधे सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारी अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो फिर हम साउथ के लोगों को अपनी फिल्मों में मौका क्यों दें। हालांकि साउथ के विजय देवरकोंडा को अपनी फिल्म में मौका देकर उनका करियर जरूर तबाह कर सकते हैं। अब इस बात को हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, और कहीं ना कहीं आग लगी थी, कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हुई थी कि यश को इस फिल्म के लिए लिया जाना चाहिए, क्योंकि यश इस वक्त जनता के चहेते हैं और उनकी जो छाप है इस फिल्म को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, और लोग इस फिल्म का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वो यश को पसंद करते हैं। लेकिन करण जौहर जैसे लोगों को एक बात समझ जानी चाहिए कि लोग किसी को पसंद जरूर करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ जाता है तो वो तुरंत ही स्टार जो है वो जनता के नजर से गिर भी जाता है। तो यश को ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो जनता के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। करण जौहर का विरोध हो रहा है, बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है, और प्रभास और विजय देवरकोंडा जिस तरह से बॉलीवुड में बर्बाद हुए हैं, वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहेंगे। तो यश को अप्रोच किया गया होगा और यश ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इन लोगों को लगा कि चलो हम शेर पर सवा शेर बन जाते हैं और ये कह देते हैं कि ये सब बकवास भरी बातें मीडिया में चल रही है, हमने किसी को भी अप्रोच नहीं किया था। जबकि यश से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि यश जो है वो किसी भी फिल्म में 100% देने के लिए जाने जाते हैं, और वो अगली जो फिल्म होगी उनकी उसमें अपना बेस्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो किसी भी फिल्म को बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़े पैसे मिल जाएंगे मुझे, मैं इस फिल्म को कर लूंगा, ये बात नहीं है। वो फिल्म में 100% देना चाहते हैं और अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो ये बात जानते हैं कि KGF 2 की सफलता के बाद जो दर्शकों की राय है उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है, और उम्मीदों को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने में वो काफी समय ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करण जौहर को मिर्ची लग गई होगी कि यार हमने इसे अप्रोच तो किया, लेकिन इसने सीधे सीधे तौर पर बिना कोई जवाब दिए ही हमें ना बोल दिया।